यहाँ ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन दिए गए हैं जिससे पता चलेगा कि आपका विजुअल परसेप्शन कितना बेटर है। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। क्या पता लगा सकते हैं यहाँ कौन सा वर्ड छिपा है? क्या बात है, एकदम सही, म्यूजिक। इस पैटर्न को देखकर बताएं कि यहाँ कौन सा वर्ड छिपा है। ये पेट है। क्या आप ये टेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं? बिग पिग इन अ वेग। क्या आप ये फ्रेज पढ़ पा रहे हैं? तो बताइए क्या लिखा है। बिल्कुल सही, इसमें लिखा है सैड आइज। इन केलों पर एक नजर डालें, क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है? एक्चुअली सभी एक ही साइज के हैं, लेकिन हमारा ब्रेन ये यकीन दिला देता है जैसे ये बड़ा है। क्या आपको समझ आ रहा है कि यहां कौन सा वर्ड छिपा है? देखा, ये फ्रॉग है। इस तस्वीर के बारे में क्या ख्याल है? यहां छिपा हुआ वर्ड डोर है। यहां छिपा हुआ वर्ड देखिए, क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं? वीडियो। इसके बारे में कोई आइडिया? ये सिंगर है। और क्या आप इसे पहचान सकते हैं? यूनिवर्स। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी आंखें कितनी तेज है। ये पहला पैटर्न है। क्या कोई नंबर नजर आ रहा है? सही है, ये 4, 7, 5, 6 है। क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा नंबर छिपा है? ग्रेट जॉब, 384965। क्या आपको इस पैटर्न में कोई हिडन कोड नजर आ रहा है? सेवन एट वन टू फोर थ्री। इस पिक्चर में कितने नजर आ रहे हैं? इसमें 11 हैं। हालांकि पहली बार में ये दिखाई नहीं देते। इस पिक्चर में भी बहुत सारे लेटर्स हैं, क्या आप गिन पाएंगे? यहां 16 लेटर्स हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, बताइए जादूगर कहां छिपा है? ये रहा यहां। क्या बता सकते हैं कि खुला हुआ ताला कहां है? ये यहां छिपा है। देखा, इनमें से कौन सी छड़ी लंबी है? दोनों ही बराबर हैं, पर 3D की वजह से इनमें से दाईं ओर वाली बड़ी और बाईं ओर वाली छोटी दिखाई देती है। इस पिक्चर में कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहां कोई ट्रायंगल ही नहीं है। एक्चुअली यहां सिर्फ 3 वी शेप और 3 पैकमैन जैसी शेप है। बताइए इस हाथी के कितने पैर हैं? चार। क्या आप इनमें सबसे अलग इमेज ढूंढ सकते हैं?
ये रैया, क्या आप इस पैटर्न में सबसे अलग वाला ढूंढकर बता सकते हैं? ये यहां इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, सबसे अलग वाला कौन सा है? ये या, क्या आपको इस पिक्चर में कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है? ये पिक्चर अलग है। चलिए अब अगले पैटर्न पर चलते हैं, बताइए कौन सा अलग है? ये रहा, पजल का वो हिस्सा ढूंढिए जो इसमें फिट नहीं होता। ये वाला फिट नहीं होता, बताइए इस बार का कौन सा साइड ज्यादा डार्क है? दोनों एक ही शेड के हैं, लेकिन रंगों के शेड हमारे कलर परसेप्शन को धोखा दे देते हैं। बताइए ये लाइनें झुकी हुई हैं या सीधी हैं? ये सभी लाइनें सीधी हैं, लेकिन व्हाइट और ब्लैक बॉक्स एक सीध में नहीं है, और इसीलिए ये हमारे दिमाग को इस ट्रिक में फंसा देते हैं, जैसे ये लाइनें सीधी ना हो। इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, क्या आपको लगता है कि ये काली और हरी लाइनें एक दूसरे के बराबर हैं? बिल्कुल ये बराबर हैं, पर शायद आपका दिमाग इस बात को ना मान पाए। अब इन तस्वीरों को देखिए, क्या आप इनमें तीन अंतर ढूंढ सकते हैं? ये रहे या, पिक्चर के स्पेयर को देखिए, क्या ये एक जैसी है? नहीं, इनके बीच तीन अंतर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन फिगर्स को देखिए और बताइए इनमें क्या अलग है? इतनी आसानी से पता नहीं चलता, पर दूसरी इमेज अलग है। इसके पार्ट्स के बीच की खाली जगहों पर एक नजर डालें, ब्लैक स्क्वायर बीचों बीच नहीं है। अब इन पिक्चर्स को गौर से देखिए, बताइए इनमें तीन अंतर कौन कौन से हैं? ये यहां है, क्या ये दोनों तस्वीरें एक जैसी हैं? क्या आप तीन अंतर बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको ये तीन अंतर तो दिख ही गए होंगे। ये देखिए यहां, बताइए इस ट्राइंगल में कितने क्यूब्स हैं? इसमें 10 क्यूब्स हैं। ये प्यारा सा रोबोट कितने क्यूब से बना है? सही जवाब है 21 क्यूब्स। क्या बता पाएंगे कि इस फिगर में कितने क्यूब्स हैं? बिल्कुल सही, 22 क्यूब्स। चलिए यहां बताइए कि इस हार्ट में कितने क्यूब्स हैं? पैंतीस क्यूब्स, एकदम सही। और अब इसमें बताइए कि कितने क्यूब्स हैं? यहां 15 क्यूब्स हैं। ध्यान से देखिए इस चेयर में कितने क्यूब्स हैं? एक 140 क्यूब्स। गौर से देखिए, क्या इस पिक्चर में कोई जानवर छिपा है? इस इल्यूजन में खरगोश को नोटिस करने के लिए आपको अपना सिर आगे पीछे हिलाना होगा। अगर आप ओरिजिनल इमेज के छोटे वर्जन को गौर से देखें तो भी जानवर का पता लगा सकते हैं। पता लगाने की कोशिश करें कि कौन सा टैंक पहले भरेगा।
तीसरा और चौथा टैंक सबसे पहले भरेगा। पहले और दूसरे टैंक से होकर पाइप तीसरे और चौथे तक ही जाता है। इसका मतलब है कि जब तक तीसरा और चौथा नहीं भरते तब तक पहला और दूसरा नहीं भरेगा, इसलिए तीसरा और चौथा टैंक साथ में भरेंगे। इसके बाद दूसरा टैंक भी पहले से पहले भरा जाएगा और फिर सबसे लास्ट में पहला टैंक भरेगा। अब इस स्ट्रक्चर में बताइए कि कितने क्यूब्स हैं। इसका सही जवाब 9 है। हालांकि सामने सिर्फ 6 क्यूब्स ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी के क्यूब्स को ऊपर उठाकर रखने के लिए नीचे 3 और होने चाहिए, इसलिए ये 9 क्यूब्स हैं। क्या आप इस पिक्चर में पेंसिल ढूंढ सकते हैं? ये यहां छुपी है। क्या आप इस घोड़े और घोड़सवार को उनकी परछाई ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं? दूसरा ऑप्शन एकदम फिट होता है। क्या आप मिसिंग पीस ढूंढ सकते हैं? तीसरा ऑप्शन सही है। आप इस पिक्चर पर नजर डालें और मिसिंग हिस्सा पहचानें। दूसरा वाला इस पहेली में फिट बैठता है। इस अमेजिंग पेंट वाली दीवार पर एक नजर डालें। क्या आप गायब हिस्सा पहचान सकते हैं? हमें इनमें से पहले पीस की जरूरत है। इस पिक्चर के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने पहले ही अनुमान लगा लिया है? इनमें तीसरा वाला होगा। और इस पिक्चर में कौन सा हिस्सा गायब है? तीसरा वाला। अब इसका गायब हिस्सा ढूंढकर बताइए। इसमें सिर्फ पहला वाला ही सही है। भूख लगी है? इन डोनट्स पर एक नजर डालें और गायब हिस्से का पता लगाएं। तीसरा वाला सही है। अब इस डिलीशियस डिश में गायब हिस्सा बताएं। दूसरा वाला परफेक्ट फिट है। ये रहा अगला चैलेंज। क्या आप इस केक का खोया हुआ टुकड़ा ढूंढ पाएंगे? ये रहा यहां। इस पिक्चर के बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? क्या आप इसमें सही हिस्सा जोड़कर इसे पूरा कर सकते हो? पहला ऑप्शन एकदम सही है। इसमें कौन सा शब्द है? सही जवाब है फार्म। अब इस शब्द को पहचानें। वैसे तो ये काफी मुश्किल था, पर आई एम श्योर आपने इसका पता लगा लिया होगा। ये फेस है। क्या आपको यहां कोई शब्द दिखाई दे रहा है? Tears, great job. चलिए टास्क को थोड़ा और टफ बनाएं। इस शब्द को पहचानें। एक हिंट, ये एक फूल है। एकदम सही, लेवेंडर। क्या आपको इस इमेज में कोई शब्द दिख रहा है? बिल्कुल सही, ये माउंटेन है। आपको पूरा क्यूब बनाना है। बताइए इसके कितने हिस्से गायब हैं? सही जवाब 20 है। क्यों ना अब आपकी रंगों की परख समझ ली जाए। अगर आपने यहां छिपा टेक्स्ट पढ़ लिया तो आप लाखों में एक हैं। क्या आप पढ़ सकते हैं? यहां लिखा है आई टोल्ड यू। चलिए अब ये देखिए, क्या आपको यहां छिपा नंबर दिखाई दे रहा है? सही जवाब है 2, 4, 3, 7, 5।
ये रहा अगला, बताइए क्या लिखा है। ये थोड़ा ट्रिकी था, कोई टेक्स्ट नहीं बल्कि दो ब्लॉक्स हैं। बताइए इन तीन नंबरों को जोड़कर क्या मिलेगा। एकदम सही, 24। इन नंबरों के बारे में क्या ख्याल है, क्या इनका जोड़ बता सकते हैं? सत्रह। चलिए अब इसे थोड़ा और कठिन बनाएं। अगर आप इन नंबरों को देख पाएं तो इनका जोड़ जरूर बताएं। ये है 3, 11, 6 और इनका सम यानी जोड़ होगा 20। एकदम सही, ये 12, 7 और 5 है और कुल जोड़ 24 होता है। आपके पास पानी से भरा एक बाथटब है, एक चम्मच, बाल्टी और कप भी है। टब को सबसे तेजी से खाली कैसे किया जा सकता है? सबसे तेज तरीका है इसके प्लग को बाहर निकाल देना। इस तस्वीर पर नजर डालिए, पहले क्या देखा, बुजुर्ग व्यक्ति या महिला? अगर आपने पहले बुजुर्ग व्यक्ति को देखा तो आप एक शांत, ईमानदार और वफादार इंसान हैं। कई लोग आप पर भरोसा करते हैं और सच्चा दोस्त मानते हैं। आप एक नेचुरल लीडर और अच्छे दोस्त हैं। अगर आपने पहले लेडी को देखा तो आप एक ऑप्टिमिस्ट हैं, जिसमें इंस्पिरेशन और पॉजिटिव वाइब्स भरी हैं। आपके कई इंटरेस्ट और हॉबीज हैं और आप हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहते हैं। आपके आसपास लोग एनर्जेटिक फील करते हैं।